हेलो मैथोहोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडवुड मशीन। ठीक है, जैसे कि हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक से ही रिलेटेड बात कर रहे थे, तो उसके हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, जैसे कि साइक्लोइड से रिलेटेड कर लिया एक हमने, और सिंपल पेंडुलम का कर लिया, कैपलर प्रॉब्लम कर ली, एंड सिंपल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला हमने कर लिया। उसके लिए भी लैग्रेंज इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं वो सब चीज़ें हम कर चुके हैं। यहाँ पे आज जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास एडवुड मशीन। ठीक है, एडवुड मशीन के लिए हमने यहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि एडवुड जो मशीन है यहाँ पर उसमें होता क्या है। ठीक है, फिर ये चीज़ देखने के बाद हमारे पास जो मेन टारगेट रहता है वो रहता है हमारे पास कि हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का पता चल जाए। अगर मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे ये यहाँ से पता चल जाएगा कि जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बनेगी वो एक बनेगी कि दो बनेगी कि थ्री बनेगी। ठीक है, क्योंकि अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेरे पास अगर वन है यहाँ पे, अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वन है तो वन बनेगी, टू है तो टू बनेगी, और थ्री है तो थ्री बनेगी। इस तरीके से तो होता है कि जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास उसी अकॉर्डिंग हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। ठीक है, फिर हमारे पास मेन टारगेट होता है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड करने के लिए हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये होता है हमारे पास। ठीक है, फिर हम लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए, तभी हम ये सब चीज़ें अपना निकाल सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहला टारगेट आप ये रखो कि उसमें है क्या, फिर आप सेकंड टारगेट रखोगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास यहाँ पे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने के बाद वहाँ से मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मुझे टी माइनस के भी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी। ठीक है, फिर जिस अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे नीड होगी वो हम यहाँ से इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे और इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा काम हम यहाँ पे करते हैं। तो मेन टारगेट क्या है हमारे पास, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो एडवुड मशीन है इसमें किस तरीके से प्रोसीजर होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एडवुड मशीन कंसिस्ट ऑफ टू मासेस M1 एंड M2 सस्पेंडेड ओवर ए फ्रिक्शन लेस पुली ऑफ रेडियस R। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे फ्रिक्शन लेस जो है हमारे पास एक पुली है जिसकी रेडियस क्या है मेरे पास R है, कनेक्टेड बाय एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ L। जो हमारे पास ये मासेस है ना, ये इस पुली के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, एक हमारे पास इन एक्सटेंशियबल स्ट्रिंग है जिसकी कांस्टेंट लेंथ क्या है, एल है। अब देखो ये चीज़ मेरे पास क्या बोली है, जो हमारे पास एडवुड मशीन होती है उसमें हमारे पास दो मास आते हैं, वो कंसिस्ट करता है दो मास। ठीक है, M1 और M2, दोनों के दोनों मास जो होते हैं हमारे पास सस्पेंडेड होते हैं एक फ्रिक्शन लेस पुली से। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और ये कनेक्ट होते हैं, जो मेरे पास ये मासेस है ना, ये कनेक्ट होते हैं इस पुली से एक स्ट्रिंग। ठीक है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है जिसकी कांस्टेंट लेंथ क्या होती है, एल। अब देखो मैं यहाँ पे जो बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुन लो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ है, ये मेरे पास क्या होगी फ्रिक्शन, मतलब ये जो पुली होगी और इसकी रेडियस मेरे पास आर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास दोनों मासेस यहाँ पे, एक M1 यहाँ पे है, एक M2 यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे पास जो ये मासेस हैं, ये मेरे पास इस जो फ्रिक्शन लेस पुली है इससे किस तरीके से कनेक्टेड है, एक हमारे पास इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसकी कांस्टेंट लेंथ क्या है मेरे पास यहाँ पे, एल है। ठीक है, तो यहाँ से ये मास जब मेरे पास इससे यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश करना, एक मिनट पहले हम ना इसकी हेल्प ले लेते हैं जो डायग्राम अच्छे से बन जाए। सर्कल ही गायब हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक
बोली होगी जिसकी रेडियस आर है। यहाँ से अभी मास इसका वो रहने देते हैं कि मास मेरे पास दोनों डिफरेंट है, ठीक है, एक एम वन है एक एम टू है। तो यहाँ पे जो ये भी बता देते हैं, जो मास हमने लिया है वो लिया है कि मेरे पास एम टू जो होगा वो एम वन से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो जो भी मास मेरे पास यहाँ पे बड़ा होगा तो जब वो लटकेगा वो ज़्यादा नीचे जाएगा ना, ठीक है, ये ऊपर रहेगा। जैसे कि अगर हम तराजू, जो तराजू वाले ही ले लो, तराजू में जब तोलते हैं कुछ भी चीज़, हम माप मैपिंग वो करते हैं, मेज़र करते हैं, तो जैसे हमने दोनों साइड रखी, ठीक है, तो जो हमारे पास भारी वाली चीज़ होगी वो नीचे जाएगी और हल्की वाली ऊपर आ जाएगी, तो वही चीज़ है। तो इसका मास मेरे पास ज़्यादा है तो ये भारी हुई, ये हल्की हुई, तो हल्की ऊपर भारी वाली नीचे, ऐसे ही तो होता है, हल्की ऊपर रह जाती है, भारी जिसमें वजन ज़्यादा होता है वो नीचे चल जाती है, तो वही चीज़। अब देखो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हम मेन टॉपिक जो होते हैं, ये जो है मेरे पास जो कनेक्ट है वो है इस तरीके से, यहाँ पे कर लिया, और ये इस तरीके से इससे कनेक्ट है, ठीक है, ऐसे। अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, मेरे पास ये एम वन है यहाँ पे और यहाँ पे ये एम टू है, इतना के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एडवुड मशीन में दो मासेज होते हैं जो ये करते हैं, ठीक है, वो सस्पेंडेड होते हैं ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली से, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। अब जो ये दोनों मासेज है ये कनेक्टेड है बाय हमारे पास इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ एल, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंथ ऑफ एल, ठीक है। तो किस तरीके से, जब यहाँ से ये गया, अब देखो रेड यहाँ तक है तो मेरे पास ये इस तरीके से है, जो मैं लेंथ बोल रही हूँ ना स्ट्रिंग की, वो ये है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखो, आपने कभी ध्यान भी दिया होगा, जब यहाँ पे मासेज है तो मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसकी जो कांस्टेंट लेंथ है वो एल है, तो मेरे पास वो किस स्ट्रिंग कैसे यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे आके ऐसे है, क्योंकि ये मेरे पास पुली है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे, मतलब ये इस तरीके से, इससे ऐसे थोड़ी ना कि इधर लटका दी इधर लटका दी तब करके, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है इसकी पूरे की लेंथ क्या है, एल है, तो ये यहाँ पे पुल्ली पे इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से है, और यहाँ पे लटकी हुई है, यहाँ पे लटकी हुई है, ठीक है। आपने ध्यान भी दिया होगा, जब हमारे पास ये सर्कल होता है यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग होता है जिसमें ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। फंसने के बाद ये इधर लटक गई, इधर लटक गई, इधर मास रख दिया, इधर मास रख दिया, बात समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया ना। तो ये मेरे पास पूरी एल है, ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियस आर थी। अब देखो मेरे पास, मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की ये मैंने यहाँ पे जो ओ है, ओ यहाँ पे आ गया इसका सेंटर, यहाँ से इसका रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने ले ली एक्स। अब देखो ये डिस्टेंस एक्स है, अब मेरे पास जो ये, अगर मैं इसकी बात करूँ सर्कल वाले की, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको दिखा रही हूँ रेड को, ये वाले की बात करूँ तो मेरे पास सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, मेरे पास 2 पाई आर, पैरामीटर नहीं बेटा सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, इतना क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास जो 2 पाई आर होती है सरकमफ्रेंस, इतना क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से ये हाफ ऊपर रह गया हाफ नीचे रह गया, तो जब मुझे सिर्फ ये वाले पोर्शन का चाहिए कि ये कितना है, तो इसके लिए देखो ये वाला पूछ रही हूँ मैं, ये कितना है, तो मेरे पास ये इसका क्या बन जाएगा, हाफ कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है मेरे पास पाई आर, यहाँ से यहाँ तक का पाई आर हो गया, क्लियर। क्योंकि जो सर्कल का मेरे पास जो होता है, ये सर्कमफ्रेंस जो होती है, परिधि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, हम परिधि बोलते हैं, तो सर्कल की जो परिधि होती है वो होती है मेरे पास 2 पाई आर, ठीक है। तो बट मुझे तो इस पोर्शन की चाहिए, पूरे की नहीं चाहिए, मुझे इतने पोर्शन की चाहिए, तो ये तो इस सर्कल का हाफ है, तो मैंने जो इसकी परिधि है इसका हाफ कर दिया, सर्कमफ्रेंस का हाफ कर दिया, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का जब हाफ करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, पाई आर।
ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ तक कि पाई आर है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ से लेके ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट लेंथ क्या है, एल है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी एल है मेरे पास, तो ये वाली मेरे पास कितनी बनेगी वो देखते हैं, ठीक है। बात समझ आई? या इस वाले मास के लिए मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली एक्स की, ये यहाँ से नीचे जब लटका हुआ है तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ये मेरे पास क्या होती है, सर्कल की जो परिधि होती है, मतलब वृत्त की परिधि या सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो होती है हमारे पास, वो 2 पाई आर होती है। तो मुझे हाफ का चाहिए, तो इसका हाफ कर दिया, पाई आर आ गई। तो मेरे पास इतना पोर्शन पाई आर आ गया और इसको मैंने मान लिया x1। इतना क्लियर? अब देखो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक की पूरी एल है। और जो पूरी की पूरी एल है, अब मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मैं किस तरीके से वैल्यू फाइंड करूँगी? देखो कंप्लीट मेरे पास एल है, तो एल किस किस को बना के बना होगा, इस एक्स को प्लस इस पाई आर को और प्लस के इस x1 को। इतना क्लियर? तो मुझे x1 फाइंड करना, तो x1 मेरे पास किसके इक्वल होगा, एल माइनस एक्स माइनस के पाई आर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास एल माइनस एक्स माइनस के पाई आर। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है मेरे पास, यहाँ पे देखो एटवुड मशीन कंसिस्ट करता है दो टू मासेस, ठीक है, जो सस्पेंडेड होते हैं हमारे पास फ्रिक्शन लेस उल्ली पर, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो मेरे पास जो मासेस है दोनों के दोनों, वो कनेक्टेड है बाई स्ट्रिंग, मतलब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ कांस्टेंट लेंथ एल। मतलब जो दोनों मासेस हैं ये मेरे पास एक कांस्टेंट लेंथ एल से उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान दिया कि मेरे पास जो दो मासेस हैं इनमें से एक M2 जो है वो मेरे पास क्या है, ग्रेटर है M1 से। मतलब M2 बड़ा है, भारी है, इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। तो जब ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा तो जिसका मास ज़्यादा है वो नीचे चला जाएगा और जिसका मास कम है वो ऊपर रहेगा। ऐसा ही तो होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको रियल लाइफ से भी रिलेटेड बता दिया कि मास ज़्यादा वाला नीचे हो जाएगा और जिसका मास कम है वो ऊपर रहेगा, जो हल्का होता है, ये हल्का है ये भारी है, ठीक है। जो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो, ये मेरे पास जो इसका मास कम है तो ये मेरे पास क्या हो गया, हल्का तो ऊपर है और ये भारी है तो ये नीचे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये टारगेट पूरा हुआ। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, इसको हम रेफरेंस लाइन मानेंगे, ठीक है। तो इससे मेरे पास M1 की जो डिस्टेंस है वो है, मेरे पास जो M1 मासेज है इसकी डिस्टेंस है x, ठीक है। और ये मेरे पास जो होता है सर्कल होता है। अब सर्कल जो होता है, तो सर्कल की हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। तो मुझे इसके हाफ की चाहिए, तो इसका हाफ कर दो तो मेरे पास पाई आर हो गया। तो इतना मेरे पास पाई आर हो गया और इसको M2 के लिए मैंने मान लिया x1, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास एल है, और इन तीनों इसको इसको और इसको ऐड करके मेरे पास एल आएगा, ठीक है। अब मुझे तो x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आ गई मेरे पास। तो अब यहाँ पे तो हमने ये चीज़ बता दी कि हमारे पास एटवुड मशीन में होता क्या क्या है। फिर मैंने बोला था आपको कि मेरा मेन टारगेट रहेगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखो यहाँ पे पाई आ रही है, तो मेरे पास आर जो होगी, कोई ना कोई रेडियस जो होती है वो कॉन्स्टेंट होगी, 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो इसमें तो यहाँ पे मेरे पास ये तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक्स माना है, तो एक मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, और एक x1 यहाँ पे है। तो एक्स और x1 है यहाँ पे, बट जैसे ही मैंने आगे देखा तो मैंने x1 को भी x के टर्म में लिख दिया, ठीक है, x1 को भी x के टर्म में लिख दिया ना। यहाँ पे जो मेरे पास x1 है, यहाँ पे देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x के टर्म में ही तो लिखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ जो रहा है, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट x, सिर्फ मेरे पास एक कोऑर्डिनेट रहा है। अब देखो मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द कॉन्फिगरेशन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम। अब यहाँ पे मेरे पास इस पूरे सिस्टम में M1 और M2 को दिखाने के लिए
सिर्फ मेरे पास अगर मुझे एक्स का पता हो तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है? क्यों? देखो, एक्स का मुझे पता चल गया, ये मेरे पास फिक्स है। अगर ये चीज़ मुझे निकालनी हो, यहाँ से यहाँ तक की अगर मुझे निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगी, जो पूरी लेंथ है उसमें से ये दोनों माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये वाली भी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये भी मेरे पास इस पर डिपेंड कर रही है। ये वाली इस पर ही तो डिपेंड कर रही है ना, कि जो ये होगी उसी अकॉर्डिंग ये आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो मतलब मेरे पास अगर मुझे एक्स का पता है तो मैं यहाँ पे सब चीज़ें बता सकती हूँ। तो यहाँ पे M1 और M2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मेरे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे सिर्फ एक्स है, मतलब 1 है। बात समझ आई क्या कहा मैंने? देखो, यहाँ से ये वाली लेंथ हुई, ये वाली लेंथ हुई, ये हुई, तो ये तो मेरे पास पाई आर हो गया, ठीक है? यहाँ से ये मैंने मानी, तो मुझे अगर इसकी फाइंड करनी हो तो मैं पूरी की पूरी एल में से इन दोनों को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ये वाली लेंथ भी आ जाएगी जो यहाँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है? ये वाली लेंथ आ गई मेरे पास। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, ये वाली भी इसके ऊपर ही तो डिपेंड कर रही है। तो अगर मुझे ये पता है तो मैं ये M1 और M2 कहाँ पर है ये चीज़ बता सकती हूँ ना, इनकी जो हमारे पास पोजीशन है या इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो चीज़ मैं बता सकती हूँ कि M1 कहाँ पे है पार्टिकल, जो मेरे पास यहाँ पे मासेस, किसी पार्टिकल का ही तो मास होगा, यहाँ पे भी किसी पार्टिकल का मास होगा M2, ठीक है? तो ये चीज़ मैं बता सकती हूँ ऑन द बेस, सिर्फ एक्स के बेस पे। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक्स ही एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। अब मेरे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे ये पता है तो ये भी पता चल जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होता उसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है? यहाँ की लेंथ ये है, यहाँ की लेंथ ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? टोटल लेंथ कितनी है, एल है। यहाँ से यहाँ तक की मैंने मानी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की मानी X1, और X1 को हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वन है, वो सॉरी एक्स है, और या हम बोल सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया। इतना क्लियर कैसे आया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? अब आगे देखते हैं, जब मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, तो उसके बाद हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की जो जनरली होती है वो होती है हमारे पास दिस, कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ मेरे पास एक्स है, तो इस क्यू आई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स। रख दी ना वैल्यू, ठीक है, एक्स डॉट और एक्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, यहाँ पे मुझे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए मुझे इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए, तभी तो मैं फाइंड कर पाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा एल, एल मतलब लैग्रेंजियन फंक्शन। तो लैग्रेंजियन फंक्शन के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा? उससे पहले जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला है कि मेरे पास X1 इक्वल टू दिस होता है एल माइनस एक्स माइनस के पाई आर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी आता है, तो वहाँ पे हमारे पास इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे DX1 अपॉन DT निकाल दिया। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास DX1 अपॉन DT, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ये जो हम मैंने क्या किया, X1 का T के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, तो DX1 अपॉन DT, और लेंथ का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लेंथ मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। और एक्स का क्या हो जाएगा, DX अपॉन DT, और ये भी मेरे पास कॉन्स्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पाई आर, तो आर की जो रेडियस होगी उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी ना, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बेटा? अब इसको मैं किस चीज़ से डिनोट करती हूँ, इससे, और इसको किस चीज़ से डिनोट करती हूँ, इससे। तो मेरे पास यही चीज़ आ गई कि X1 का डॉट इक्वल टू माइनस X डॉट,
माइनस के एक्स डॉट, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी पर चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने देखो, अब मेरे पास यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए मेरे पास दो मास है, एक एम वन है एक एम टू है। तो जब भी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो एम वन का अलग करेंगे, एम टू का अलग करेंगे, फिर जो टोटल सिस्टम मतलब टोटल निकालनी होगी तो दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम की चाहिए। तो एम वन की निकाले, एम टू की निकाले, फिर दोनों का ऐड कर दो, पूरे सिस्टम की आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एम वन जो यहाँ पे मास का जो पार्टिकल है इसका हम निकालते हैं, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो मेरे पास 1/2 इसके लिए क्या आएगी ये, और एम वन मास हो गया। मैंने यहाँ पे मान ली इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे वी वन स्केयर, सिमिलरली 1/2 एम टू वी टू स्केयर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास है ये क्या है, एक्स, तो चेंज इन एक्स, तो मेरे पास डी एक्स अपॉन डी टी ये आ जाएगा। इतना क्लियर। और इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक्स वन है। ठीक है, तो वी टू मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स वन अपॉन डी टी। ये होती है मेरे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन से, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन पोजिशन, तो मेरे पास वी वन के लिए मेरे पास जो पहला मास है एम वन उसके लिए क्या है, एक्स है। ठीक है, दूसरे के लिए क्या है, एक्स वन है, तो वो चीज़ आ गई। अब इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम, एक्स डॉट से, और इसको किस चीज़ से, एक्स वन डॉट से। तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो एम वन, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डॉट का स्केयर, और यहाँ पे 1/2 एम टू एक्स वन डॉट का स्केयर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखो हमने फाइंड किया है कि जो एक्स वन डॉट है वो किसके इक्वल है, माइनस के एक्स डॉट के। तो मैं इसकी जगह माइनस के एक्स डॉट लिख दूँ, एम टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स डॉट का स्केयर। ठीक है, माइनस का स्केयर प्लस आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 एम टू एक्स डॉट का स्केयर। इतना क्लियर। तो मैंने जो पहले मास एम वन के लिए जो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी वो निकाल लिया, एम टू के लिए भी निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास देखो ये सारा प्रोसीजर वही किया जो मैंने अभी आपको बताया, तो मेरे पास लास्ट में ये आ गया और ये आ गया 1/2 एम वन एक्स डॉट स्केयर, 1/2 एम टू एक्स डॉट स्केयर। ठीक है, इतना क्लियर। किस तरीके से निकाला, यहाँ पे मैंने एम वन के लिए निकाला, एम टू के लिए निकाला, मुझे चाहिए पूरे सिस्टम की, तो दोनों को ऐड कर दिया उस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 एम वन प्लस के एम टू एक्स डॉट का स्केयर। ठीक है, इतना क्लियर। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टारगेट तो पूरा हो गया। अब मेरे पास आती है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखना, इसको रफ कर देते हैं, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास वेलोसिटी होगी, जैसे भी हमारे पास चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एम जी एच। इतना क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एम वन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम टू है। ठीक है, इतना क्लियर। तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, एम वन जी, तो दोनों के लिए सेम होगा, यहाँ पे एम टू जी, यहाँ पे मेरे पास मैं मान लेती हूँ अभी एच वन, और यहाँ पे मान लेती हूँ अभी एच टू। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो मेरे पास इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, दूसरी चीज़ है यहाँ पे एम वन जी, एच वन मेरे पास, एम वन के लिए एच वन क्या होगी, मतलब यहाँ से लेके ये जो हाइट है ये क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे एम वन के लिए यहाँ से जो ये है ये मेरे पास इसकी हाइट ही तो होगी, तो यहाँ पे हो गया एक्स, और एम टू के लिए हो गया एक्स वन, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एम टू एक्स वन, एम टू जी एक्स वन। तो इतना क्लियर हो गया। ओके, अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, मेरे पास एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे वो रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना बेटा, इतना काम हो गया मेरे पास ये।
अभी इतना ही करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। देखो एम वन जी एक्स, एम टू जी एक्स वन, ये आ गया, ये मेरे पास एम वन का आ गया, एम टू मासेस के लिए आ गया। तो जब मुझे टोटल का निकालना होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है, तो माइनस साइन हम कब लगाते हैं, देखो जब मेरे पास यहाँ पे मैंने बोला कि जो मेरे पास ये है ये मैं रेफरेंस लाइन लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो जब मेरे पास ये रेफरेंस लाइन है और इसके नीचे जा रहा है, हमारे पास जो है मासेस जो है इसके नीचे है, तो मेरे पास जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, और वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम वन एंड एम टू विल बी नेगेटिव एज पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग मेजर्ड बिलो रेफरेंस लाइन। जो मेरे पास रेफरेंस लाइन है ना, ये वाली जो रेफरेंस लाइन है, हम इसके नीचे ब्लो ब्लो मतलब नीचे की बात कर रहे हैं। तो जब नीचे की बात करते हैं हम और नीचे वाले मासेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आता है पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों आता है नेगेटिव साइन, समझ आ गया ना, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड है तो नेगेटिव साइन आएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि मेरे पास दोनों मासेस के लिए जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेजर कर रहे हैं रेफरेंस लाइन से ब्लो, ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया, अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब मेरे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे तो एक्स है, पर मेरे पास जो एक्स वन है इसकी वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, एल माइनस एक्स माइनस के पाई आर। तो मैंने ये पूरा का पूरा मेरे पास आ गया निकल के, अब मेरे पास V क्या आ गई, जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई ये निकल के, तो मेरे पास क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, टी माइनस के वी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देंगे, ये रख दी, फिर मैं यहाँ पे रखूँगी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस साइन है तो जो पोटेंशियल एनर्जी के हम वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे मेरे पास जो साइन है वो चेंजेस हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास तो मुझे फाइंड करनी है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसके लिए मुझे ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, तभी तो आएगी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे पास यहाँ से लैग्रेंजियन फंक्शन आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब जब मैं लैग्रेंजियन फंक्शन के बाद ये फाइंड करूँगी, तो मैं यहाँ पे इसका करूँगी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट के। अब देखो जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट के, तो हम देखेंगे कि एक्स डॉट है कहाँ पे मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो दोनों जीरो बन जाएंगे, रिमेनिंग बचेगा मेरे पास ये, तो वन बाय टू एम वन प्लस के एम टू, और इसका मेरे पास हो जाएगा टू एक्स डॉट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गई ये वैल्यू। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, इसको रफ कर देते हैं जो अच्छे से बता सकें अगला। अब मुझे फाइंड करना है कल एल अपॉन कल एक्स, मतलब एल का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्स वाली टर्म कहाँ पे, देखो यहाँ पे तो एक्स डॉट की है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो बन जाएगा। फिर मेरे पास एक्स वाली टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो यहाँ, सॉरी बेटा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है, जब मैं इसका यहाँ पे करूँगी एम वन जी एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास वन, ठीक है। जब भी हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे ये सेम होती तो इसकी वैल्यू वन होती है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी यहाँ पे एम वन जी, और एक्स की एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू वन। फिर एम टू जी, अब यहाँ पे एल क्या है मेरे पास, कांस्टेंट लेंथ है, तो इसकी वैल्यू जीरो, माइनस, और एक्स का मेरे पास हो गया वन, और ये भी जीरो, ठीक है। तो मेरे पास दिस, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस एम टू जी, बात समझ आई। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे मेरे पास इसमें एक्स है नहीं, ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पे एक्स है इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, तो ये बचेगा, यहाँ से सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो मेरे पास ये भी आ गया। अब दोनों की दोनों वैल्यू मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरे पास यहाँ, इसकी जगह और इसकी जगह, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से एम वन प्लस एम टू, ये तो मासेस है तो ये बाहर आ जाएंगे, मेरे पास डी अपॉन डी टी एक्स डॉट, ठीक है। और यहाँ से मैंने माइनस, यहाँ से जी और जी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, इक्वल टू जीरो। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर डी अपॉन डी टी एक्स डॉट हम निकाल रहे, तो मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे, ये कैसे आई। देखो एक्स डॉट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, डी एक्स अपॉन डी टी को हम बोलते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो डी अपॉन डी टी इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इस एक्स डॉट की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, डी स्केयर एक्स डी अपॉन डी टी स्केयर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, बात समझ आई। डी अपॉन डी टी इसका ये निकालना था, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, एक्स डॉट की वैल्यू ये होती है, ये रख दी यहाँ पे, इस तरीके से लिखते हैं। फिर मेरे पास डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर, और इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में, तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस जी, और यही मेरे पास क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एटवुड मशीन के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, अगर आप अपनी रियल लाइफ से लेके चलोगे ना, कि आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह, ठीक है, कि हमारे पास ये पुली होती है, ठीक है, तो इस पे इस तरीके से एक स्ट्रिंग होती है ऐसे लगी होती है, यहाँ पे ना थोड़ा सा इतना सा स्पेस होता है कि स्ट्रिंग उसके अंदर कवर हो सके, ठीक है, ऐसे होता है। अब ये मास ज़्यादा है मतलब ये भारी है, तो ये नीचे की साइड होगा, जो हल्का होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एक्स मान ली, पूरी मेरे पास एल है, और ये पाई आर का आपको पता चल गया सर्कमफ्रेंस से, ठीक है, तो मुझे ये निकालनी हो तो पूरे में से ये माइनस कर दो, वो आ जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स है, मतलब सिर्फ एक्स के ही बेस पे हम यहाँ पे किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिकल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर, बस ये चीज़ पता चल गया, आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।